वेलकम टू E18 तेलंगाना न्यूज। बीजेपी एमएलए राजा सिंह रिएक्टेड ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल लूटिंग्स एंड हेल्थ तेलंगाना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल इन फेलिंग टू कंट्रोल कोविड एंड मेंटेनिंग द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। E18 तेलंगाना न्यूज ब्यूरो। आज तेलंगाना की जनता में कोरोना वायरस की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रही है। एक तरफ ये कोरोना वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा है, दूसरी तरफ ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका इलाज हो रहा है, ना ही प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोई बचा जा रहा है। लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से अच्छा मर जाना लोग पसंद कर रहे हैं। जो लोग जिंदगी बचाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको यानी इतना लूटा जा रहा है, लाखों रुपए खुलेआम लूटे जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने एक जियो नंबर निकाला है, एक जियो पास किया है 248 जियो नंबर। जियो के अनुसार अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो वेंटिलेटर का ये रेट, विदाउट वेंटिलेटर का ये रेट, रेट तो शोपट गवर्नमेंट फिक्स कर दी लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जो प्राइवेट जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है बड़े बड़े, इन सब का कनेक्शन मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर से है, क्योंकि एक पेशेंट के साथ में लाख दो लाख नहीं 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक लूटा जा रहा है तेलंगाना के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जो लोग पैसा पे नहीं कर सकते, जो मर जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, उनकी बॉडी भी नहीं दी जा रही है कि जब तक कि वो पूरा पैसा पे नहीं करते। ये आज तेलंगाना में प्राइवेट हॉस्पिटलों की परिस्थिति है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसको पॉजिटिव आ रहा है, महिला हो या पुरुष हो, उनको हाथ लगाने वाला आज नहीं है। लोग गिरे पड़े हुए हैं, कोई हाथ लगाने वाला नहीं। लोग मर रहे हैं, बॉडियां एक्सचेंज हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तेलंगाना में आज ये परिस्थिति है। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आप आपके फार्म हाउस से घर से बाहर निकले और जितने सरकारी हॉस्पिटल है, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां क्या चल रहा है, आपको पर्सनल ये चीजों पर निगाह रखने की आवश्यकता है। सब हॉस्पिटल चेक करने की आवश्यकता है। जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अगर इस तरह से क्रैम करता है, मैं तो कहूंगा एक क्रैम है, जो भी हॉस्पिटल अगर जनता को लूटता है, उन हॉस्पिटलों को सीज किया जाए और एक स्पेशली टास्क फोर्स बनाया जाए कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल अगर पब्लिक को लूटता है तो हॉस्पिटल को सीज करके उन तमाम डॉक्टरों को अरेस्ट करने की आज आवश्यकता है। आज हम डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ भगवान है तो दूसरी तरफ यही हमारे डॉक्टर शैतान का रूप लेकर जनता को लूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि इन डॉक्टरों को क्या हो गया है। मुख्यमंत्री जी, अगर आज आप तेलंगाना की जनता के साथ खड़े नहीं रहे तो आने वाले समय में यही तेलंगाना की जनता तुम्हें मिट्टी में मिला देंगी। ये भी मुख्यमंत्री को सोचने और समझने की आवश्यकता।